ओ भाई वो रफ्तार था भाई, बोल रहे उन्होंने तो सीरियस दिल पे ले लिए, क्या बात भाई। सो गाइज मेरे को ऐसा ख्याल आ रहा है ना कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो थोड़ा सा इधर से ऑफ रोडिंग हो गया हम लोगों का, हाईवे से उतर के मैं थोड़ा शॉर्टकट लेने के चक्कर में और ये वाले रास्ते से गुजरना पड़ रहा है मेरे को। वाह, उम्मीद का किरण नहीं, पूरा का पूरा सूरज दिखाई दे रहा है सामने से। तो चलो अभी हाईवे पे चढ़ते हैं और निकलते हैं सीधा एकदम स्पीड में। आग लगा दिया, 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 आग लगा दिया। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। सुधांशु स्विच कर चुका है और राइड कर रहा है सुधांशु ड्यूक, मेरे को छोड़ के भग गया भाई। ऐसे सड़क पे ना गाना तो याद आ ही जाता है, तुमसे मिलके दिल का है सोहाल, क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें। हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग, और भाई आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर पे, जिसका व्लॉग मैंने पहले तो नहीं डाला, लेकिन हम लोग के घर से कुछ करीब 60 किलोमीटर दूर है, तो 60 किलोमीटर जाना 60 किलोमीटर आना, तो हम लोग का एक दिन का प्लान है पूरा ट्रिप का। तो अब हम लोग निकल चुके हैं लो, और शाम का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग हैं महादेवा में, और अभी 0.6 किलोमीटर मैंने ट्रिप सेट कर रखा है कि देखता हूँ कितना किलोमीटर का हम लोग का ये ट्रिप होता है। तो मैं और सुधांशु एक बाइक पे हैं जो कि एवेंजर है 160 स्ट्रीट मेरी वाली, और हमारे दोस्त आगे वेट कर रहे हैं हम लोगों का, तो आगे चल के मिलते हैं। और इसमें थोड़ा सा फुल दिखा रहा है पेट्रोल, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये मीटर सही है। एवेंजर गाइज एवेंजर। तो भाई ये रहा इंडियन ऑयल, और यहाँ से लेते हैं थोड़ा पेट्रोल, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि ये फुल टैंक में जाएगी, तो फुल टैंक से थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा अपने को। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो फॉर घूमी घूमी। और शाम का बज चुका है 3:22, तो इसको क्रॉस करके अपने दोस्तों से मिलते हैं, देन एकदम मस्त स्पीड में निकलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जाते जाते रात हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ से भाई करीब 60 या 65 किलोमीटर जाना है, अभी तो 9 किलोमीटर ही बस आए लोग। तो चलो लेट्स गो, थोड़ा सा स्पीड चेक कर लेता हूँ इसी पे कि कितना जा रही है मेरी बाइक। बस बीच में ये लोग रोड क्रॉस करते हैं तो फिर स्पीड डाउन करना पड़ रहा है भाई, 80 जा रही है भाई। भाई कोई अगर एवेंजर चलाता होगा ना, मेरे को बताना कि मतलब ऐसा क्यों दिक्कत है, लाइक 80-90 से ऊपर नहीं जा रही है बाइक। ये रहे हम लोग के मित्र लोग, और यहाँ पे इन लोगों का चल रहा है ब्लॉगिंग इन लोगों का भी, और ये हमारे उत्कर्ष एक्स जिनका चैनल का नाम है, और ये रहे हमारे रजत पांडे इट्स योर रज्जो। तो चलो चलते हैं भाई। हेलमेट कहाँ है आप लोगों का सर? हाँ पानी है भाई। मैं उन लोगों को बोल के रखा हूँ कि वो लोग पीछे चलेंगे, क्योंकि हम लोग का दो लोगों का ग्रुप है, और दो लोग में भी आगे और पीछे हो जाएंगे लोग तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं बोला कि तुम लोग पीछे रहो, क्योंकि तुम्हारी बाइक बहुत तेज़ चलती है और ये ज़्यादा स्पीड चल नहीं पा रही है। ओहो धूप, रुको यार ये वाला लगाना चाहिए हेलमेट का। चलो भाई अभी ठीक है। हाँ तो भाई मैं आगे आगे और ड्यूक उन लोग मतलब साथ में ही चल रहे हैं लोग, ताकि दूरी ज़्यादा ना हो पाए, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा, वो लोग आगे निकल जाएंगे। चलो भाई चलो भाई, आज खूब एंजॉय होगा दोस्तों के साथ। आग लगा दिया, 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 आग लगा दिया। भाई ये क्या हो रहा है, रोड पे आग लग गया भाई। अभी थोड़ा सा क्या होता है ना, दो बाइक से जब भी ट्रैवल करो ना, तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि सब लोग साथ है कि नहीं। तो अभी तो मेरे दोस्त पीछे रह गए थे, उनकी बाइक तेज़ चलती है, फिर भी मे भी वो लोग थोड़ा शूट वगैरह कर रहे हैं, वो सबका व्लॉगिंग चैनल है भाई, तो उस पर भी जाके सपोर्ट करो, मैंने तो दे दिया है। और देखो इन लोगों का सिनेमेटिक शॉट करते हुए जा रहे हैं, और भाई थोड़े दूर पे और चलते हैं, और अभी हो चुका है हम लोग का 21 किलोमीटर कम्प्लीट इसी के साथ। सो गाइज मेरे को ऐसा ख्याल आ रहा है ना कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो थोड़ा सा इधर से ऑफ रोडिंग हो गया हम लोगों का, हाईवे से उतर के मैं थोड़ा शॉर्टकट लेने के चक्कर में, और ये वाले रास्ते से गुजरना पड़ रहा है मेरे को। वाह नहीं नहीं वाह, ये मेरा ही आइडिया था ऐसे शॉर्टकट लेने का, तो कोई बात नहीं, थोड़ा दूर पे बाद ही हाईवे फिर मिल जाएगा हम लोगों को। ओ भाई पहले हाईवे तक पहुँच तो जाए लोग सही सलामत। क्या सुधांशु
सुधांशु का तो फेवरेट है ऑफ रोडिंग। ओ भाई बाइक खराब ना हो जाए हम लोगों की, इधर कोई मदद करने भी नहीं आएगा, और पीछे हमारे दोस्त ड्यूक लेकर आ रहे हैं, बस यही हम ही लोग हैं और कोई नहीं इस रास्ते पे। ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। मेरे दोस्त कहेंगे कि ये क्या है, मतलब क्यों ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ। मैं तो चलो मेरी तो आदत सी है ऐसे गलत गलत रास्ते जाने की। और आगे चलो भाई पहले हाईवे निकालते हैं, इस पे स्विच कर चुके हैं। देखो ऐसे निकालते हैं, ऐसे रोला, ऐसे हटो गाइज। चलो ये लो महारथी, ये लो, ये तो ब्लॉग शूट करने में है बंदा। सो गाइज निकले थे हम लोग शहर घूमने के लिए, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, और इधर गांव में, मतलब लग रहा है ना मेरे को गांव से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, जब ना तब गांव में पहुंच जाता हूं मैं, तो अभी रास्ते से भटक कर गूगल मैप के चक्कर में मैं पता नहीं क्यों ऐसा किया और ऐसे रास्तों से आया जैसे कि रास्ता ही नहीं हो। तो अभी तो फ़िलहाल आगे मिल गया है, उम्मीद का किरण नहीं पूरा का पूरा सूरज दिखाई दे रहा है सामने से। तो चलो अभी हाईवे पे चढ़ते हैं और निकलते हैं सीधा एकदम स्पीड में। तो ये गाइस देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है, आ हा 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 हा, लेट्स गो। सो गाइस गलती से हम लोग ये वाला सड़क पकड़ लिए थे लोग, तो ये नहीं जाना था हम लोगों को, जिसके वजह से बहुत परेशानी हो चुका हम लोगों को, लेकिन कोई नहीं। अभी देखो इंजॉय करो भाई सनसेट का, और इसी सनसेट के साथ साथ हम लोग पहुँच जाएंगे लो द्वारकाधीश टेम्पल, तो कुछ घंटों में, क्योंकि घंटा अब लगने वाला है भाई, ऑलरेडी हम लोग इधर घंटा लगा चुके हैं लो। लेट्स गो। ओ वाइजर बंद नहीं था भाई, सॉरी, बहुत सारा विंड नॉइज आ रहा होगा। ओ हो ला 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 ला। भाई ऐसे सड़क पे ना गाना तो याद आ ही जाता है, तुमसे मिल के दिल का है सोहाल क्या कहें। और इस हाईवे से होते हुए जाएंगे लो हम लोग, बस कुछ घंटे और हम लोग पहुंच जाएंगे लो सीधे जहां जाना है। तो हम लोग का प्लान था कि भाई आज जाकर आज भी आ सकते थे लो, या फिर आज जाकर रुकते लो, आज भी घूमते लो और कल भी घूमते लो, तो प्लानिंग कुछ ऐसा ही है। तो चलो चलते हैं भाई। ओ भाई वो रफ्तार था भाई, वो उन्होंने तो सीरियस दिल पे ले लिए, क्या बात भाई, उन्होंने तो दिल पे ले लिया, आगे निकल गए। हाँ एवॉल्व कर रही है, 80 एवॉल्व जा रही है। क्या बोलती पब्लिक, आ जाओ ये लोग भाई यूं यूं करके जूम जूम करके निकल रहे हैं लोग बाजू से। कोई बात नहीं, मैं 80 ही चलाता हूँ, लिटरली मैं 80 ही चलाता हूँ, वो बाइक हो या कोई बाइक हो। अभी सुधांशु स्विच कर चुका है और राइड कर रहा है सुधांशु ड्यूक, मेरे को छोड़ के भाग गया ऋषभ के साथ निकल लिया, बट कोई ना भाई वो केयरफुली राइड करता है, बहुत अच्छा राइड करता है, छोटा भाई है मेरा लेकिन राइडिंग बहुत अच्छा करता है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर, तो पीछे में बजरंगबली का मंदिर और ये पीछे में द्वारकाधीश मंदिर, तो यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर के अंदर और वहाँ भी दर्शन करके फिर सुबह आएंगे। अभी तो जल्दी जल्दी आए थे लोग, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था, 2 बजे के निकले हुए हम लोग पहुँचे हैं लोग 6:44 में। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं और दर्शन करके फिर आएंगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, काफ़ी ऐतिहासिक नहीं है लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि पूरे बहुत पुराना मंदिर का।
अभी दर्शन भी हो गया हम लोग का, और फर्स्ट ट्रिप था और मैं मतलब छोटा सा एक ट्रिप था, तो दोनों साथ आए थे। तो कैसा लगा भाई तुम लोगों को? बहुत ही प्यारा लगा, यहाँ पे काफ़ी शांति है और आप सबको आना चाहिए यहाँ पर एक बार जरूर। आप भी आए और हम लोग फिर से कल आएंगे। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। हाँ हाँ, एड्रेस का दिस आप सर्च करोगे, नैनी नैनी गांव का नाम है, छपरा डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप यहाँ पे आप आ सकते हो इजीली, मैप पे मिल जाएगा। एक बार मंदिर भी देख लो, और ये रहा मंदिर। तो यहाँ पे द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब मंदिर क्लोजिंग का टाइम हो गया, काफ़ी लेट तक हम लोग ये कर दिए, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, राधे राधे, राधे राधे, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई वांट टू रीच 1 मिलियन, सो प्लीज सरप सरप अगर आई, ओके, थैंक यू।